आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है और इसी को ध्यान में रखते हुए कुशल भारत कौशल भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के IIT में पिछले दिनों स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के आइडियाज़, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस देखने को मिले। साथ ही स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया गया। बेस्ट इंडस्ट्री कोचेज और एक्सपर्ट्स द्वारा 45 आवर्स के सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए गए। हमने कई बार इंडस्ट्री से ये कंप्लेन सुनी है और देखी है कि इंडस्ट्री हर बार ये कंप्लेन करती है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है स्किल्स के अंदर कम रह जाते हैं और वो इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। ये कंप्लेन इसीलिए आती है क्योंकि स्टूडेंट्स अपने तरफ से कहीं इनिशिएटिव नहीं लेते अपने अंदर कोई ऐसे खूबी और ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने में जो आज इंडस्ट्री में एक्चुअल यूज़ होती है। ये जो पर्टिकुलर गैप है वो हम आप मिलकर कम कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट जो है हम या तो स्टार्टअप से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आइडिया सोचकर, अपने स्टार्टअप्स बनाकर, इन स्टार्टअप्स को इम्प्लीमेंट करके और लोगों को नौकरी देकर हम इस पर्टिकुलर कंट्री को, इंडिया को, एक कुशल भारत कर सकते हैं, स्किल्ड कंट्री बना सकते हैं। और या तो फिर हम इंडस्ट्री के जो टेक्नोलॉजीज़ है वो वर्किंग टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उन्हें सीखकर हम अपने अंदर वो स्किल्स इम्प्रूव करके ये पर्टिकुलर टास्क हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए या फिर खुद का स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे स्किल्स भी ज़रूरी है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देख लो कि PCB डिज़ाइनिंग है या फिर सर्किट बनाना है कौन सा, तो उसके लिए अलग से स्किल लगते हैं एंड अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं जो हमको अलग से सीखना पड़ता है। तो सिर्फ कॉलेज में पढ़ के फ़ायदा नहीं है, फिर हम लोग को और काफ़ी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है। सो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक दैट फॉर इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप स्किल डेवलपमेंट इंजीनियर को करना बहुत ज़रूरी है। हम स्किल इंडिया के लिए अलग अलग पहलू है तो AICT की तरफ से काफ़ी MOUs किए हुए हैं जहाँ से छात्रों को स्किल दिया जाएगा और स्किल लोअर लेवल में भी है, जो स्कूल ड्रॉपआउट्स है 8वीं 9वीं 10वीं के बाद में कॉलेज नहीं गए उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट है। उसी तरफ में जो कॉलेज में है और इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में है उनके भी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए और कुछ स्किल डेवलपमेंट ऑनलाइन भी हो सकती है तो उसको ऑनलाइन के मोड में करेंगे, जिसको फेस टू फेस करना पड़ेगा, एक्चुअल हाथ से काम करना पड़ेगा वो भी करवाएंगे। और ये जो हैकाथॉन में स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ये तो स्किल ही है क्योंकि यहाँ कोई सिर्फ दिमागी काम नहीं है, दिमागी काम को उसको परिणाम एग्जीक्यूट करना है और वर्कशॉप में जाके मशीन के ऊपर काम करना है, उसको असेंबल करना है, उसकी दिक्कतें जो आती है उसको सॉल्व करना है, तो यही तो स्किल डेवलपमेंट है। बैकग्राउंड वी आर देयर इज अ सेइंग दैट स्किल इज अ लाइफ फॉर एवरी मैन, सो द स्किल इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग करंटली इन द इंडियन एजुकेशनल एनवायरमेंट। सो वी शुड नॉट बी एबल टू study and we should be able to applicate in a practical environment as soon as possible. So the Smart India Hackathon is one such environment which promotes that activity. So it is not only restricted to globally local areas, but we can use it for formulating solution at a global scale. So it is a scalable property which can be easily done at a larger rate.